क्योंकि ये मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा चाह रही है। मैं अब रैश ड्राइव नहीं करूँगा। नमाज पढ़ते रहो। के बाद मैं नई बाइक लाऊंगा, दिनों के बाद ही व्लॉग शूट करके 10 मिनट समझ नहीं मारने का अलग ही मजा आता है। यहाँ से कुत्ता भी भौंक रहा है, बहुत सारा काम भी आ चुका है बाइक। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश व्लॉग। उम्मीद करते हैं ऑल बीइंग वेल, आप सभी लोग ठीक होंगे और मजे में होंगे। सॉरी, इन दिनों ज्यादा ही बिजी था इसलिए कोई वीडियो नहीं आ पाया। तो अब मैं इंशाल्लाह फ्री हो चुका हूँ। तो अभी मुझे जाना है भैया के साथ, भैया को कहीं पे काम है, तो भैया ने बोला जल्दी से आ जाओ। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं निकलता हूँ जल्दी से जल्दी, भैया ऑफिस पे वेट कर रहे हैं, और निकलते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर से निकल चुका हूँ, अभी भैया को पिक करने ऑफिस से। घर से भैया के ऑफिस तक 2 मिनट लगते हैं। ये रहा भैया, निकल चुके हैं, भैया को भी मैंने पिक कर लिया। बहुत दिनों के बाद मोटो व्लॉग, मतलब मोटो व्लॉग क्या, मैंने बहुत दिनों के बाद ही व्लॉग शूट किया क्योंकि टाइम ही नहीं था। घर वालों के साथ प्रॉमिस किया कि मैं अब रैश ड्राइविंग नहीं करूँगा। यहाँ पर लीन मारने का अलग ही मज़ा आता है। जहाँ पे भी गीला रोड होगा ना, वहाँ पे बाइक की स्पीड हर हमेशा कम करनी चाहिए क्योंकि बाइक अचानक से फिसल जाते हैं तो बंदा गिर जाता है। इसीलिए स्पीड कम करो, आराम से चलो। बाइक पे अभी तक हाथ ही नहीं बैठ रहा वापस। यहाँ से कुत्ता भी भौंक रहा है। बाइक में बहुत सारा काम भी आ चुका है। बैठते हैं पंप पे, पेट्रोल डालते हैं। तो डन विद पेट्रोल। तो अभी हम पहुँचे कुछ इस तरह की लोकेशन। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था भाई आपकी ड्रीम क्या है, तो ड्रीम बहुत कुछ है भाई, आप सपोर्ट करते रहो, आपको भी पता चलेगा मेरी ड्रीम क्या है। इस साल मुझे बहुत कुछ करना है, तो देखते हैं ऑफ आर द बेस्ट, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। तो यहाँ से 4-way बनने वाला है, पता नहीं कब तक हमारा ये 4-way कम्प्लीट होगा। और हाँ गाइस, जिसने भी अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी एंड कमेंट बॉक्स में होगी। मैं कमेंट बॉक्स पे पिन करूँगा इंस्टाग्राम की लिंक, तो जाके फॉलो कर दो। मैंने सोचा था मैं आज एक ऑफ रोड करने के लिए ही था। ऑफ रोड से काम है क्या, देख सकते हो आप आगे रोड क्या है, मतलब रोड की बजिया उड़ी हुई है। अरे भाई साहब, ऊपर से मेरा बाइक का पिछला वाला टायर जो है ना वो थोड़ा सा डैमेज है, थोड़ा सा मतलब चलेगा, 1-2-4-5 दिन चलेगा क्योंकि बाइक में टायर भी नया डालवाना है, बैटरी भी आई थिंक नहीं डालनी है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है बाइक में क्योंकि सुबह 2-3 सलेप देने पड़ते हैं बाइक को। तो देखते हैं क्या इशू आ रहा है बैटरी में भी। ये देख सकते हो आप यहाँ से रोड की हालत, ये क्या कोई ऑफ रोड से काम है। तो बहुत सारी जगहों को इस साल एक्सप्लोर करना है क्योंकि अपनी ज़िंदगी एंजॉय करनी, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मैं इतना बोलूँगा नमाज पढ़ते रहो क्योंकि नमाज से जो बंदे को सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता है। नमाज पढ़ते रहो, खाते पीते रहो, एंजॉय करो, बाकी क्या है, आखिरत के लिए नमाज है, बाकी कुछ भी नहीं है। पैसे तो आते रहते हैं ज़िंदगी में। शो वाला सीन देखा है पुष्पा मूवी, तो ये भी उसी की तरह एक चंदन की लकड़ी है, इसको चना ट्री बोलते हैं। तो लुक एट द व्यू गाइस, अभी हम पहुँचे कुछ इस तरह की लोकेशन पे, इस जगह को किंगम बोलते हैं। तो आप देख सकते हो वहाँ से पहाड़ कितने खूबसूरत है यहाँ पे। तो बाइक का फ्रंट टायर जो है वो थोड़ा सा शोर कर रहा है, पता नहीं, आई थिंक मुझे लगता है बाइक के फ्रंट वाले ब्रेक शूज जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। जी अभी हम पहुँचे कुछ इस तरह की लोकेशन पे, यहाँ पे है ये ज़ियारत शरीफ, वहाँ से देख सकते हो पहाड़ कितने खूबसूरत है। तो अभी हम मस्त चल रहे हैं अपना 60-70 की स्पीड में। ये देख सकते हो आप JCB वाले ने कहाँ से पाइप उठाई है, वाह कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे कश्मीर में। तो अभी हमें जाना है PDD डिपार्टमेंट, मतलब बिजली डिपार्टमेंट हमें जाना है। उसके बाद हम जा रहे हैं कैंपिंग करने के लिए, नाइट स्टे करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन आएगा मेरे साथ, अगर आएगा कोई तो ठीक, नहीं आएगा तो सोलो निकल जाते हैं गाड़ी में अपनी। तो अभी हम पहुँचे कुछ इस तरह की लोकेशन पे, तो ये है जी अच्छाबल गार्डन। तो यहीं से वो कहते हैं सिंकहोल का पानी निकला है, बट पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है। तो यहाँ से जाते हैं मटन, तो यहाँ से जाते हैं शांगस मोगम। तो अभी हमें जाना है यहाँ से, तो इस वाले रोड से जो है मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए वाला रास्ता मुझे गंदा लगता है। चलो क्या करें। तो ये रहा जी PDD डिपार्टमेंट। तो अभी हम जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन रहता है, तो उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो भैया जाते हैं अंदर, मैं बाहर ही वेट करूँगा, देखते हैं भैया कब तक अपना काम कंप्लीट करेंगे। तो जी डन विद ऑल, निकलते हैं यहाँ से, काम हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो अभी निकलते हैं यहाँ से घर क्योंकि मौसम भी अचानक से ख़राब हो चुका है। तो अभी हम पहुँचे कुछ इस तरह की लोकेशन, तो ये रही अच्छाबल की पार्क, यहाँ से एंट्री गेट है। तो अभी हमें निकलना है सीधा डायरेक्ट घर क्योंकि मौसम अचानक से ख़राब हो चुका है।
अगर गाड़ी में होते तो कोई टेंशन ही नहीं था, अभी बाइक पे तो क्या पता अगर बारिश हो गई तो निकलते हैं भाई साहब, जगह छोड़ो। इंशाल्लाह देखिए एक दो दिन के बाद कहीं जाते हैं, प्लान करते हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना आने वाला है तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो इन दो चार दिन थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, नाइट पे कहीं पे स्टे करेंगे। तो रोड क्लियर होता है उस टाइम बाइक चलाने में अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे एक और लीन आ चुकी है, वो भाई ज़बरदस्त। हम पहुँचे कुछ इस तरह की लोकेशन पे, तो वापस निकल रहे हैं घर। तो देख सकते हो पूरे आसमान पे बादल छाए हुए हैं, अभी तक सूरज मामा दिख रहे थे बट अचानक से गायब हो गए सूरज मामा, तो अभी बादल छाए हुए हैं यहाँ पे। ऊपर से ये कच्चा रोड इंसान की हालत ख़राब कर देता है। ओ भाई साहब यहाँ से चलना है जी संभल के, क्योंकि रोड की हालत ख़राब है। ओ भाई इतनी दूर बाइक टोटली हिल रही है यहाँ पे। ये है जी हिलर का पुल, वहाँ पे वो बंदा गाड़ी धो रहा है, ये क्यों मुझे घूर घूर के देख रहे हैं भाई? मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, जो तुम मुझे घूर घूर के देख रहे हो। अरे भाई साहब मेरी बाइक की दोनों ब्रेक जो है ना ख़त्म हो चुके हैं, फ्रंट वाले शूज़ ख़त्म हो चुके हैं, तो बैक वाले शूज़ भी ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ से चलना है जी संभल के हमें, बाइक टोटली वाइब्रेट हो रही है इन पत्थरों पर। बाइक को छोड़ो हम खुद भी वाइब्रेट हो रहे हैं यहाँ पे, क्या करें रोड की कंडीशन ही ऐसी है। अभी मन कर रहा है व्हीली मारने का बट नहीं मार सकते क्योंकि भैया पीछे बैठे हुए हैं, तो वरना एक आधी व्हीली तो मार ही लेते। यहाँ से फिर से ऑफ रोड हो गया शुरू। ओ भाई तो माउंटेन आप देख सकते हो, पहाड़ कितने खूबसूरत हैं, बादल भी अभी छाए हुए हैं, तो ज़बरदस्त लुक है। अभी हमें लगता है हमें खुद की भी वॉशिंग करवानी पड़ेगी, खुद की भी सर्विस करवानी पड़ेगी, क्योंकि हालत जो है टोटली ख़राब हो गई। देख सकते हो गाड़ी वाला कितना तेज़ चल रहा है भाई, क्या भगा रहा है, एक नंबर मज़ा आ रहा है। अभी क्योंकि मैं खुद भी तेज़ चल रहा हूँ तो मुझे भी घर जल्दी पहुँचना है, घर में थोड़ा सा काम पड़ चुका है। चलो 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 भाई जगह छोड़। सलाम वालेकुम सर, ठीक सहज ठीक फिर क्या फिर? तो यहाँ पे मिल चुके हैं भाई साहब, ये भी मोटो व्लॉगिंग करते हैं, तो इनके चैनल की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाके चेकआउट करें। ओके भाई ओके, तो कल परसों मिलते हैं इंशाल्लाह, जाते हैं कहीं पे। ओके भाई, तो यहाँ पे मिल चुके थे एक भाई साहब, तो ये भी मोटो व्लॉगिंग करते हैं, तो लेट्स सी देखते हैं कब जाते हैं इसके साथ। तो देखते हैं भाई साहब के साथ कब जाते हैं, इनकी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना, इनको सब्सक्राइब कर देना। लेडी ड्राइव वाह, इतने आराम से स्कूटी चला रही है। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जाके लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।